निशा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं? वो लोग टाइम पे हैं? कब? यार अमित, यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तो अपने रिश्ता संभाल रहा। आखिर चक्कर क्या है? यार सोनाक्षी जी आ रही है ना, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पूरी महफिल को छोड़कर तेरा हेयर स्टाइल ही नोटिस करेगी ना। ऐसे मुझे तो ना इमरान भाई से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है। तू इमरान भाई से मिल, मैं सोनाक्षी जी से मिल के आता हूँ। हाँ भाई तू जा। गुड मॉर्निंग इमरान जी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान तभी सफल होता है जब वो समय का पाबंद हो, तो फिर आपने हमें इतना इंतजार क्यों करवाया? भाई अपने धंधे की एक सेइंग है, आदमी बड़ा तब बनता है जब बड़े बड़े लोग उसका इंतजार करते हैं। इमरान जी, इससे पहले आपको एक्शन हीरो के अवतार में नहीं देखा, लगता है इस फिल्म के बाद आप भी अपनी मामू की तरह कंप्लीट एक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तारे देखने के लिए नहीं तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। इमरान भाई। जी सर। सर ट्रेलर भी देख लिया आपका और आपको भी देख लिया, पर सर सोनाक्षी जी कहाँ रह गए? कहीं धोखा तो नहीं दे दिया सर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता सर? अरे कि हीरो आए और हीरोइन ना आए, बस कुछ देर और दिल थाम के बैठिए, आस लगाए दिलों की धड़कनें रोकने के लिए वो आती ही होंगी। यार गाइस, मैंने कहा था ना थोड़ा जल्दी निकल जाते, मुंबई की ट्रैफिक भी ना। मेरा बैग देना। कितना टाइम हुआ प्रेस कॉन को? बस अभी अभी इशू हुई। आपका ज्वेलरी वगैरह सब बाहर रखा है ना? ठीक है तुम लोग जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इमरान जी, वैसे तो अब आपकी शादी हो गई है, जिंदगी के इस नए पहलू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहते हैं आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाती है औरत, और आदमी को स्वर्गवासी भी बनाती है औरत। वैसे सर अक्षय जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा। देखिए वो बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, लेकिन दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मुझे और सोनाक्षी, हम दोनों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सोनाक्षी रेडी नहीं हुई अब तक। सर उन्होंने कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? सर गोली माथे के बीचों बीच मारी है, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इसे मरने में। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन है कि पट्टू से कहां
इसकी सारी की सारी गोलियां वैसी की वैसी हैं। इसका मतलब है आदमी यहाँ कोई जन्म करने आया था और किसी ने इसे ही मार दिया। सर अगर ये गन इसकी है तो फिर इसके लाइसेंस से पता चल सकता है कि ये आदमी था कौन। हाँ सचिन, पता करो ये गन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ आसपास कुछ मिलता है क्या? देखो सर। सर, जब इसका खून हुआ तब कमरे में सिर्फ सोनाक्षी जी मौजूद थी। सोनाक्षी को बुलाओ। सर, इसके पास से कोई आईडी वगैरह तो नहीं है। सोनाक्षी जी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज अंदर आइए। सोनाक्षी जी, शुरू से बताइए, सोच के यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं वॉशरूम गई थी और फिर बाहर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे सामान से छेड़खानी कर रहा। आप वॉशरूम के अंदर थी ना, तो आपको कैसे पता चला कि बाहर कमरे में कोई आपके सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है? मुझे आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रॉ खोल रहा है, कबर्ड खोल रहा है। फिर मैंने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, खुला नहीं, जाम हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई, दरवाजा तोड़ के मतलब धकेल के बाहर निकल आई। तो आपको डर नहीं लगा कि अगर आप वॉशरूम से बाहर आती तो आदमी आप पर भी हमला कर सकता था? उस समय कुछ समझ नहीं आया मुझे, मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। और तब आप कमरे के अंदर आए दरवाजा तोड़ के? जी सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब खूनी दरवाजे से बाहर नहीं गया। सर, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये आदमी और वो खूनी दोनों अंदर कैसे आए। खिड़कियां दरवाजे सब लॉक थे। सर, हो सकता है इसके पास इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी हो, उसी से खोलकर ये अंदर आया। अगर उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी तो फिर कमरे से बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? हाँ सचिन, ये देखिए सर, एसी डक्ट खुला हुआ है, इसका मतलब खूनी इसमें से निकल के इस कमरे के अंदर घुसा है। निखिल, इस एयर कंडीशनिंग डक्ट के दूसरे कोने में जाके देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर एक बात और, ये देखिए सोनाक्षी जी का बैग इस तरह खुला पड़ा हुआ है, पैसे भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं और कार्ड भी। लगता है खूनी बैग में कुछ तलाश रहा था। मरने वाला तलाश रहा था या मारने वाला, यही एक पहेली है। सोनाक्षी जी, जरा अपना बैग चेक करके बताइए कि उसमें से कोई चीज गायब है क्या, प्लीज। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून इन्होंने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए कहानी बना रही है। सर, मुझे लगता है वो मरा हुआ आदमी यहाँ इस कमरे में कुछ चुराने के लिए आया था और खूनी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ। और इस कमरे से बेहतर जगह क्या हो सकती थी मारने के लिए? दोनों एयर कंडीशनिंग डक्ट से अंदर आए, आए तो दो लोग थे मगर वापस एक ही गया। सब चीजें वैसे की वैसे। तो इसका मतलब है जिस चीज के लिए वो यहाँ आया था उसे वो मिली नहीं। तो सर, मेरे बैग में ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जो कोई चुराना चाहे। कुछ तो है सोनाक्षी जी, वरना वो अपने जान को खतरे में डाल के यहाँ पे नहीं आता। श्रेया, इस बैग पे से उंगलियों के निशान उठा लो और हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो। सर, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट। सोनाक्षी जी, आपको पूरा यकीन है कि आप इसे नहीं पहचानती? इसे देखा नहीं पहले कभी? कभी नहीं। और इमरान, आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए। हाँ, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन जाना पहचान? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कहाँ देखा इसे? ये शायद हमारी शूटिंग में आया था, आखिरी शेड्यूल में। क्योंकि शूटिंग में क्रू का मेंबर था ये? नहीं, क्रू का तो नहीं था, शायद शूटिंग देखने आया हो या किसी से मिलने। शूटिंग देखने आया था? तब से सोनाक्षी का पीछा कर रहा है।
सर हो सकता है ये सोनाक्षी जी का कोई पागल फैन हो और इनके प्यार में पड़ गया हो। निशे, पागल फैन होता तो चॉकलेट देता, लव लेटर्स देते या फिर फूल देता। ये यहाँ पे खुद को ढूंढने के लिए आया था। एनीवेज आप लोग जा सकते हैं, पर जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे हीरो तो हम सिर्फ पर्दे पर हैं, असली हीरो आप सीआरई वाले हैं। अरे नहीं, निखिल। अच्छा तुम वही रुको, हम लोग आते हैं। हाँ निखिल सर, ये यहाँ पे एसी डक की जाली खुली हुई है और ये देखिए जूतों के निशान भी। सर हो सकता है वो दोनों आदमी सोनाक्षी जी के कमरे में इसी रास्ते से घुसे हैं सर, एसी डक के रास्ते। और ये किसी आदमी का दिमाग है इसे, जिसे पता था कि इस एसी डक से सोनाक्षी के कमरे में कैसे जाते हैं, और उसे ये भी पता था कि सोनाक्षी एग्जैक्टली होटल में कब आई। हाँ सर, भले ही सोनाक्षी जी थोड़ी देर से पहुंची हो फंक्शन, लेकिन इस आदमी ने थोड़ी भी देर नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा, ना ही थोड़ी देर तो ना ही थोड़ा पहले। आप यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है? जी नहीं हूँ। कैसी सिक्योरिटी है आपके होटल की? कोई भी इस एसी डक से सेलिब्रिटी के कमरे में घुसता है, वहाँ पे जाके खून कर देता है, आपने खूनी को देखा तक नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इस होटल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ पर कोई भी आदमी बिना परमिशन के आ ही नहीं सकता। सर ये देखिए सर, जूतों के निशान, निशान आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, अब एसी डक में जो कीचड़ था वो यहाँ इस सीवेज लाइन से ही आया है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से वो दोनों सिक्योरिटी वालों को चकमा देखकर होटल के अंदर घुस सकते हैं। और सर इस मैनहोल के बारे में होटल का कोई आदमी जानता होगा? एक बात तो तय है, वो जो भी है इस होटल के अंदर इस सीवेज लाइन से ही आया है। देखना पड़ेगा ये सीवेज कहाँ कहाँ खुलता है। इतना बड़ा होटल और सैकड़ों लोगों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उन दोनों को देखा ना हो? सर ये रही डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट, खून 0.45 कैलिबर की गोली से हुआ। और सोनाक्षी की पर्स पर से जो उंगलियों के निशान मिले वो? सर वो मरने वाले के, खूनी के नहीं। सर इस केस ने तो मेरे दिमाग का हलवा बना दिया। एक चोर सोनाक्षी के कमरे में चोरी करने के लिए आया, मगर उसने कुछ चुराया नहीं, क्योंकि कोई और आदमी वहां आया, उसने चोर को मार दिया और वहां से फरार हो गया। जो चोर के पास से जो गन मिली थी उसके बारे में क्या? कुछ पता नहीं चला सर, गन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, रशियन गन है, शायद स्मगल की गई होगी या फिर ब्लैक मार्केट में खरीदी गई होगी। सर सर इस चोर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, हाँ मगर फिल्म शूटिंग की कई सारी फोटोज में ये दिख रहा है, ये देखिए। सर इसका मतलब ये चोर काफी दिनों से इनके पीछे लगा हुआ था। इसका ये भी मतलब है रजत कि ये सिर्फ किसी चोरी या खून का मामला नहीं, ये कोई और ही चक्कर है, कोई बड़ा चक्कर। कुछ मिला क्या? सर मैंने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए, लेकिन मुझे इस मैनहोल पे शक है सर। क्यों, ऐसा क्या है इस मैनहोल में? सर यहाँ पे आसपास जूतों के निशान है, ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई अंदर गया हुआ है सर। सर वैसे भी शाम होते ही ये गली एकदम सुनसान हो जाती, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। ये बाइक काफी समय से खड़ी है यहाँ पे, कहीं इस बाइक पे बॉम्ब वॉम तो नहीं है? आया तो ठीक कर रहा है लवाई सीजन, बाइकों की क्या भरोसा। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए, ये देखिए ना बाइक यहाँ पे लवाइश पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है। निकल इस बाइक के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो और फॉरेंसिक में विक्टिम से मैच करके देखो, और सचिन आरटीओ से पता लगाओ इस बाइक का मालिक कौन है। सर सूरज के पास जो बाइक मिली थी वो किसी प्रणव कुशाग्र के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी उमंग सेवा बैंक के सामने से। कौन से ब्रांच के सामने से? विद्याधर नगर ब्रांच। सर पिछले हफ्ते तो उस बैंक में लुटेरों ने डाका डाला था 8 तारीख को। सर लेकिन उसी दिन तो ये बाइक भी चोरी हुई थी। सर कहिए मरना मारना लूट के पैसों को लेकर तो नहीं है? शायद मरने वाला और मारने वाला दोनों शामिल हो इस बैंक रॉबरी में।
ये तो उसी बैंक से पता चल जाएगा। इस विद्याधर नगर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अरे हिम्मत तो देखो इसकी, चोरी करने के बाद कैमरे को हाथ दिखा के चला गया। सर इन लोगों ने तो मास्क पहना हुआ है, इसलिए पहचाने जाने का कोई डर ही नहीं है। इस फुटेज को रिवाइंड करना जी। सर जैसे ही गोली चली बैंक में भगदड़ मच गई, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन सर ये लड़की बिल्कुल डरी हुई नहीं है, और ये उन्हीं को देख रही है। कुछ इशारा भी किया इसने, कहीं इन दोनों से मिली हुई तो नहीं है। बैंक के बाहर का फुटेज दिखाना, ये डकैती होने से पहले का। जरा इसको पॉज करना, और डकैती के वक्त का ये बैंक के अंदर का फुटेज दिखाना। साधु ने वही कपड़े पहने हुए थे, दो लुटेरों में से एक ये है, ले गए ना। एक मिनट पॉज करो, इस आदमी पे ज़ूम कर। ये तो डैनी है। डैनी, आप जानते हैं इसे? हाँ, छोटा मोटा चोर है ये, जेब काटा था, छोटी मोटी चोरियां करता था, और एक मर्डर केस में ये सरकारी गवाह बना था। मुझे लगा कि सुधर गया होगा, पर ये तो जुर्म के रास्ते में और आगे निकल गया। प्ले करो उसे। सर ये बैंक के बाहर इतनी देर से खड़े होके कर क्या रहे? सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो। जब वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है फोन निकालने के लिए, वहां पे फ्रीज करो, और इसी वक्त बैंक के अंदर वहां का फुटेज दिखाना। इस वक्त ये लड़की किसी को फोन कर रही है, शायद डैनी को। ये लड़की भी मिली हुई है, मगर ये लड़की है कौन? अब वो तो डैनी ही बताएगा। अरे भाई साहब, ये हम लोग डैनी को ढूंढ रहे। डैनी? एक नया ड्रिंक है सर। पहले पूरी बात सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये है डैनी, देखा है इसे? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे, ये रोज यहाँ पे आता था, मगर दो दिन से नहीं आ रहा है यहाँ। अकेला आता है या किसी के साथ आता है? सर हमेशा अकेले ही आता था, कुछ गड़बड़ है क्या? सर वो तो लड़की देखिए पिंक ड्रेस में। सही, ये लड़की तो वही है जो बैंक के सीसीटीवी फुटेज में थी। तो इसका मतलब डैनी इस लड़की से मिलने आता है, और ये दोनों के दोनों इस जुर्म में शामिल है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये जो लड़की सामने डांस कर रही है पिंक ड्रेस में, इस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम शीना है, और उसने 1.5 महीने पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। तुमने इसे देखा है डैनी से बात करते हुए? कई बार देखा है, डैनी की पसंदीदा डांसर है वो। ओ, अब हमें डैनी तक उसकी ये पसंदीदा डांसर ही पहुंचाएगी, शीना। सर ये तो किसी बंगले में जा रही है, चल के देखते।
ये क्या आवाज? शीना, 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 एम्बुलेंस, हाँ, समता नगर, बाबू रोड 256, जल्दी आइए अर्जेंट प्लीज। शीना, शीना, किसी रीना ने हमला किया आप पे? बोलिए कौन है वो? शीना? So she's dead. Oh my God. सर, वो भाग गया। अभी अभी मरते मरते इसने किसी रीना का नाम लिया। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। इस घर में ऐसा जरूर कुछ मिलेगा जो हमें रीना के बारे में बता सके। रीना एक बहुत ही ईमानदार और जाबाज आईपीएस ऑफिसर थी। अंडरकवर काम कर रही थी वो डांसर शीना बनकर उस बार में। यस सर, और रीना उस बैंक लूट में शामिल हुई ताकि वो डैनी और उसके गैंग का विश्वास जीत सके। और वो मनीष जिसकी लाश हमें उस होटल के कमरे में से मिली, वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर था। सर शायद गैंग वालों को पता चल गया होगा इनकी असलियत के बारे में, तभी इन दोनों को मार दिया। हो सकता है, हो सकता है। इस मनीष के घर में जाकर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वैसे आप कौन? मैं मनीष की पत्नी हूँ। जी हमें मनीष के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आइए। जी बताइए क्या बात करनी है आप लोगों को? जी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति मनीष, उनका खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष का खून नहीं हो सकता। आप प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। मुझे पता था कि ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। मैडम आपको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि आपके पति मनीष, उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी। आप किसी ऐसे मिशन के बारे में जानती हैं जिसमें मनीष एक अंडरकवर कॉप बन के काम कर रहे थे? अंडरकवर कॉप? जी हाँ। नहीं, मुझे इस तरह के किसी भी मिशन के बारे में नहीं पता है। बल्कि मनीष ने तो मुझसे कहा था कि मनीष का ट्रांसफर नागपुर हो गया है और बहुत जल्द वो मुझे भी वहां बुला लेंगे। हाँ, हम समझ सकते हैं। ये काम ही कुछ ऐसा है कि अक्सर परिवार वालों को भी पूरा सच नहीं बताया जा सकता। सर, अंदर से मनीष की डायरी मिली है। 17 जुलाई जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन जॉनसन नाम के किसी आदमी को वो मिलने वाला था। ये देखिए अपॉइंटमेंट टाइम भी लिखा है। जॉनसन? आप किसी जॉनसन नाम के आदमी को जानती थी? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। तो हो सकता है ये नाम जॉनसन भी मनीष और शीना के नाम की तरह कोई सीक्रेट नाम हो किसी अंडरकवर कॉप का जो इस केस पे काम कर रहा है। मतलब सर मनीष और शीना के बाद अब इस जॉनसन की जान को भी खतरा हो सकता है? हो सकता है पूरी। इस जॉनसन को किसी भी हाल में बचाना होगा। सर जॉनसन नाम का ऐसा आदमी तो कोई हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो, जॉनसन सिर्फ एक खुफिया आइडेंटिटी हो मनु और शीना की तरह। रीना और मनीष को तो मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन जॉनसन नाम का ऐसा कोई आदमी इस मिशन में नहीं था। शायद ये कोई खबरी हो। नहीं, उनके इस मिशन की जानकारी किसी खबरी को नहीं थी। हो सकता है ये जॉनसन्स किसी का नाम हो ही नहीं। ये जॉनसन्स कोई पहेली हो और इस नाम में ही कोई इंफॉर्मेशन छुपी है।
जॉनसन्स नाम की पहेली? मेरा तो दिमाग घूम गया सर, एक शब्द की पहेली कैसे हो सकती है? हो सकता है फ्रेडी, तू ये काम करो, पैड लेना, जॉनसन्स लिखाओ। जे अल्फाबेट नंबर 10, ओ अल्फाबेट नंबर 15, एच 8, एन 14, एस 19, ओ 15, एन 14 और एस 19। ओ इतना बड़ा नंबर, टेलीफोन नंबर? इतना बड़ा नंबर टेलीफोन नंबर नहीं हो सकता। एक काम करो, इस नंबर को ऐड करो। सर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हो सकता है, नंबर लगा के देखते हैं। हेलो, मैरिज हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैरिज हेल्पलाइन? जी, शर्माइए मत सर, हर शादीशुदा जिंदगी में कई तरह के तनाव आते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं, उनका समाधान कर देंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर हो सकता है जॉनसन, जॉनसन किसी चीज का पासवर्ड हो या किसी का एड्रेस? हाँ पूर्वी, एड्रेस हो सकता है। आपको क्या नंबर मिला है दिखाइए, मैं अपने कंप्यूटर में डाल के देखता हूँ उससे क्या एड्रेस निकलता है। ले लीजिए। ओके। इस कॉम्बिनेशन से 4 एड्रेस मिले हैं, इसमें 2 घर तो पहले ही टूट चुके हैं। और बाकी के 2 घर? बचे हुए 2 घर में एक एड्रेस MI रोड पे जूते की दुकान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। चौथा? और चौथा हाउस नंबर 16, प्लॉट नंबर 85। सर ये जगह तो काफी सुनसान है। ये जगह किसी के भी छिपने के लिए बहुत सही है। इस केस में आगे जाने की कड़ी हमें यहीं से मिलेगी। मनीष यहीं से बैठ के काम करता होगा। देखो कुछ मिलता है क्या? सर 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 ये कंप्यूटर तो लॉक्ड है, पासवर्ड मांग रहा है। ये मनीष का नाम डाल के देखो। फेल सर। शीना नहीं। ये रीना का नाम डाल। फेल सर। सर जॉनसन? जॉनसन नहीं सर। सर कहीं पासवर्ड हॉकाय तो नहीं? हॉकाय? हाँ सर, उस सीक्रेट मशीन का नाम जिस पे ये लोग काम कर रहे थे। खुल गया सर। अरे पूर्वी तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो जरा ये खास फाइल है क्या इसके अंदर? हाँ सर, इसमें एक फाइल की लेजर एंट्रीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये सारा मामला स्मगलिंग का तो नहीं है? स्मगलिंग? किस चीज की स्मगलिंग सर? वो तो ये कंप्यूटर बाबा को खोलने पे पता चलेगा। जरा फाइल खोल के देखो। सर ये गैंग तो गुनाहों के दलदल में सर तक डूबा हुआ है, हथियारों की सप्लाई, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। लेकिन इस गैंग का नाम क्या है? सर जकोटा गैंग। जकोटा गैंग? लेकिन इस गैंग का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ सर,
ये देखिए, इस गैंग के कुछ खास खास लोगों का नाम लिखा है। कल्लू इस गैंग का बायां हाथ और गोगा दाया। लेकिन इस गैंग का लीडर कौन है उसका नाम नहीं लिखा। सर हो सकता है रीना और मनीष इसी खोज में लगे होंगे, इस गैंग के लीडर के नाम की तलाश में, पर उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों शहीद हो गए। सर यहाँ पे ये ब्लैक बुक क्या लिखा हुआ है? लगता है ये बुक इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। खोलो जरा पूरी। सर दुनिया के किस किस देश में कहाँ कहाँ उनका काला पैसा छुपा है सब कुछ लिखा है सर इसमें। सर इन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया था, अगर इन आतंकवादियों का पैसा जब्त हो जाए तो ये अपाहिज हो जाएंगे और समाज में कभी भी दहशत नहीं फैला पाएंगे। पंकज इनकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे, इस चकोटा गैंग का सफाया करेंगे। सर इसमें एक और फाइल है ब्लूप्रिंट नाम की। ये तो किसी बिल्डिंग का नक्शा लग रहा है और इस नक्शे में डेट भी है 23 जुलाई। 23 जुलाई को कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? सर क्यों ना हम ये नक्शा म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में दिखाएं, वहां से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है और 23 जुलाई को यहाँ पर हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी, इस क्लब का मैनेजर कौन है? जी हाँ सर जी मैं हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सर हम लोग CID से। 23 जुलाई को आपके क्लब में कुछ खास घटना घटी थी? हाँ यस मैम, 23 तारीख को हमारे क्लब में आग लग गई थी। आग? जी हाँ, वो तो अच्छा हुआ इंश्योरेंस था वरना लाखों का नुकसान हो जाता। वैसे ये क्लब में आग लगी कैसे? सर एक्चुअली वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। कहीं आग आपके क्लब के किसी आदमी ने तो नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा कोई क्यों करेगा? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या ये आदमी आपके क्लब में था जब आग लगी? हाँ सर हाँ, ये कुलभूषण सर के साथ आया था। कौन कुलभूषण? सर इस क्लब के मालिक है। बुलाइए उन्हें। बताओ कुलभूषण जी, डैनी और जकोटा गैंग के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? डैनी जकोटा गैंग? सर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। देखो कुलभूषण जी, ये नाम आपने पहली बार सुना है कि आखिरी बार ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं वादा करता हूं आगे से आप ना कुछ कह पाओगे और ना सुन पाओगे। क्या जानते हो? सर सर अब पिछले काफी समय से मैं इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ हूं। पिछले साल मेरे बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने, उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर। मैंने विद्रोह भी किया, गैंग को छोड़ना चाहा सर, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। अपना जवान बेटा खो दिया आपने, फिर भी कानून से मदद लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ जुड़े रहे जिन्होंने आपके बेटे की जान ली। बताओ गैंग का बॉस कौन है? उसे कोई नहीं जानता सर, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं है सर। मैं सिर्फ उदय से बात करता था, वही हमारे गैंग का कमांडर था सर। और ये ब्लैक बुक, ये ब्लैक बुक क्या है? ब्लैक बुक सर, ब्लैक बुक एक मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारे गैंग का कच्चा चिट्ठा है। उस दिन जब मेरे क्लब में आग लगी थी तब हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक किसी ने उस आग का फायदा उठाया और वो मेमोरी कार्ड चोरी कर लिया। तब से हमारे गैंग को वो मेमोरी कार्ड नहीं मिली। अच्छा तो मेरा अभिजीत, इसका मतलब है ये आग भी मनीष ने ही लगाई थी ताकि वो ब्लैक बुक चुरा सके। ब्लैक बुक चुरा के वो क्लब से भागा और उसे पकड़ने के लिए जकोटा गैंग के लोग भी उसके पीछे भागे, और फिर मनीष पहुंच गया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सेट पे वो ब्लैक बुक छुपाने के लिए, जो शायद उसने सोनाक्षी के कपड़ों या गहनों में छुपा दियो। हाँ रजत, इसीलिए तो वापस आया सोनाक्षी के कमरे में वो ब्लैक बुक ढूंढने के लिए। ब्लैक बुक तो उस बेचारे को मिली नहीं, जकोटा गैंग के लोगों ने उसे मार डाला। अभिजीत वो ब्लैक बुक अभी भी वहीं पर होगी, वहीं पर सोनाक्षी के फिल्मी कपड़ों या गहनों में। ये तो CID आ जाएगी। नहीं बॉस, ना कपड़ों में ना गानों में, पता नहीं मनु ने ब्लैक डायरी कहां छिपा रखी है।
इतनी लापरवाही से ढूंढोगे तो ब्लैक बुक कैसे मिलेगा? ये देख, वाह वाह उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। इसीलिए तो कहता हूँ मैं तुम लोगों का गुरु हूँ और तुम लोग मेरे चेले। और तुम जैसे गुरु को हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। मैं जानता था दया तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन आज गया तो गया। सर आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकली है। तू या मैं? माफ कर दो तेरे, माफ कर दो, मैं जिम की दुनिया में अब कभी कदम नहीं रखूंगा तेरे, मुझे माफ कर दो। मेमोरी चिप दे। दे दो, दे दो। सुरी, संभाल के रखो इसे। सर। अभी नकाब हटा, नकाब। थप्पड़ खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू? तेरा बाप कौन है? मुझे तेरा बाप कौन है? नहीं मारूंगा। हाँ? बोल ले तो मार दूंगा। मुझे इसका फोन है? ये मैसेज है। कौन देगा? ब्लैक बुक मिला या नहीं? बहुत जल्दी है तेरे बॉस को ब्लैक बुक तक पहुंचने की। हाँ? चलो उसे भी रिप्लाई कर देते हैं, अगले एक घंटे में नौपाड़ा के जंगल में मिलना। लगता है डैनी का बॉस आ गया, मार दे झपट्टा। नहीं फ्रेडी, अभी नहीं, जरा सांस लेने दे इसे। सब सर, ये तो सारिका है, मनीष की वाइफ। ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। इसका पति शहीद हो गया और ये मुजरिमों के साथ मिली हुई, ये हो क्या रहा है? क्या हुआ डैनी, तुम्हारे चेहरे पर ये मातम क्यों छाया हुआ है? मत पूछो, ये सीआईडी वाले तो मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, धूल चटा दिया इस पहलवान जैसे दया को। अरे दया सर, क्या बोल रहा है ये? नेफड़ी, लेकिन अब सब ठीक है। शाबाश डैनी, शाबाश। मैं जानती थी कि वो सीआईडी वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा वो ब्लैक बुक किधर है? क्या बात है, Thank you.
ये क्या है ढेर? ये मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल खाली है। ठीक तुम्हारे दिमाग की तरह। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आसपास के लोग धोखेबाज निकलेंगे। गोली मत चलाना, नहीं तो जेल के बदले सीधे ऊपर जाओगी। सीआईडी से भाग रही है। मैं मनीष की पत्नी नहीं हूँ। उस दिन जब मैं मनीष के घर में ब्लैकबोर्ड ढूंढने गई तो अचानक वहां सीआईडी आ गई। और तुमने अपने आप को मनीष की पत्नी बताया? हाँ, लेकिन मनीष बहुत ही चालाक था। उसने अपने घर में ब्लैक बुक छुपाकर नहीं रखी थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने मेरे गैंग के आदमियों को ब्लैक बुक ढूंढने के लिए लगा दिया। हमारा पूरा गैंग तो खत्म हो ही गया। बस तुम्हारे बॉस को पकड़ ले। हमारे बॉस का पता तो हमें भी आज तक नहीं मालूम। ब्लैक बुक के जरिए हम तुम्हारे बॉस का पता तो लगा ही लेंगे। तब तक तुम दोनों का पता जेल है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.